अरे बापे इतने प्रेस वाले क्या चलिए सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जब जब आईफा की बात होती है सर आपने वोटिंग नहीं की कितने एक्साइटेड होते हैं आईफा को लेकर एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो मेरा जो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है कि मुझे आज तक आईफा अवार्ड मिला नहीं है दो तीन बार इस बार अरे पहले तो इस बार मुझे नॉमिनेट होना चाहिए बट यस मैं आईफा को बहुत मानता हूँ बिकॉज यहाँ पूरी इंडस्ट्री को मौका मिलता है इसको आके वोट करने के लिए हर फिल्म के लिए अपनी फेवरेट फिल्म्स के लिए एंड फिर उसके बाद मुझे लगता है पब्लिक वोटिंग भी होती है तो आई थिंक इट्स क्वाइट जेन्यून एंड ट्रांसपेरेंट तो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग और फिर हमेशा अच्छे एग्जॉटिक लोकेशंस में आईफा होता है तो एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड एक बहुत बॉन्डिंग होती है फिल्म इंडस्ट्री की सब लोग इकट्ठा जाते हैं रियली एंजॉय देमसेल्व्स सो आई थिंक इट्स ग्रेट फन सर इस बार के लोकेशन को लेकर आप एक्साइटेड हैं बैंकॉक वाह वाह कौन एक्साइट नहीं होगा खाना इतना बढ़िया है बैंकॉक में और भी बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ करने के लिए शॉपिंग भी है एंड लॉट्स मोर थिंग्स लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट तो आई थिंक और मैं सबसे कहता हूँ कि आप लोग ये टीवी पे अवार्ड्स देखते हैं लेकिन अगर मौका मिले तो जैसे क्रिकेट मैच स्टेडियम में आप जाके देखो तो कितना मज़ा आता है आई थिंक गोइंग टू सी एन अवार्ड फंक्शन लाइव इज वेरी एक्साइटिंग सो प्लीज़ ऑल गो एंड वॉच इट इन थाईलैंड क्या हाँ मैं बहुत एक्साइटेड था मुझे पता था कि वो पिक्चर कर रही है इनफैक्ट वो गई थी उसके लिए उसने ऑडिशन किया था पिछले साल एंड आई थिंक उन्होंने कुछ हज़ार लड़कियां ऑडिशन की एंड शी गॉट सिलेक्टेड सो आई एम वेरी लकी और बस अब आई थिंक पीपल शुड लाइक हर इन द मूवी एंड लाइक द मूवी और पिक्चर चले आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सर आपने तरफ से टिप्स देते हैं कि बेटा इस तरह से आप बताइए आपकी तरफ से कुछ टिप्स देते हैं देखो मैं उसको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ एंड वो जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही है और शी इज़ विद सच अ बिग बैनर धर्मा फिल्म्स इतने अच्छे हाथों में है वो सो आई थिंक वही सब उसको अच्छी तरह ट्रेन करके ग्रूम करेंगे मुझे कोई कंट्रीब्यूशन मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें नो आई हैव नॉट स्पोकन टू करण येट अबाउट इट रियली आई हैव नॉट मैं मिला हूँ उसको एक दो बार इसके पहले लेकिन फिल्म लॉन्च होने के बाद नहीं मिला उनसे तो मुझे मौका ही नहीं मिला उनसे कुछ कहने के लिए मम्मा मिया ये हुई ना बात बहुत बहुत आई मीन ये साजिद खान आ गए वापस तो माय फेवरेट डायरेक्टर एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक टू मच फन और ये इस बार जो कहानी है इट्स अबाउट पुनर्जन्म सो इट्स गोइंग टू बी लाइक समथिंग एल्स ऑल टुगेदर सर ऐसा लोग बातें करते हैं कि क्या आप अपनी जो फिल्मों का जो डिमांड होगी रेट अब बढ़ा देंगे आप मीन्स अपने प्राइस बढ़ा देंगे आप हाँ मैं अभी एक रुपया लेता हूँ दो रुपया लेने से मैं कभी पैसों के बारे में नहीं सोचता हूँ व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स बिकॉज यू नो आप कितना भी पैसा कमाओ वो आपको इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा लेकिन जब आप अच्छी फिल्म करते हो तो हज़ार साल बाद भी लोग उस फिल्म को देखेंगे सो आई थिंक एन एक्टर फॉर द बिगेस्ट थिंग एक्टर हमेशा रहता है लिव्स फॉर एवर लाइक श्रीदेवी जी चली गई है लेकिन हर बॉडी ऑफ वर्क वी विल ऑलवेज नो हर and remember her very fondly. So I think that is the most important thing for an actor. आपके son के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरा nephew but मेरे बेटे की तरह है आहान पांडे बहुत ही popular है इस वक्त Instagram पे Twitter पे और मैं जहाँ भी जाता हूँ इनफैक्ट यंग गर्ल्स मुझे आके बोलते अंकल प्लीज़ मिलाना मुझे आहान से सो ही इज़ क्वाइट पॉपुलर एंड बहुत जल्दी उनका भी अनाउंसमेंट आने वाला है इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय नहीं उनका कहीं और होने वाला है आई थिंक सो मुझे मैं बात नहीं कर सकता हूँ इसके बारे में बट शायद अच्छा ही अनाउंसमेंट आने वाला है क्योंकि आपने कहा जहाँ भी आप जाते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि आप उनसे हमें मिला दीजिए क्योंकि आप भी एक अच्छे एंड सुपरस्टार एक्टर हैं कुछ ऐसी जलन फील होती है उनके बारे में लोग ज़्यादा बातें करते हैं नहीं जब आपके बच्चे आप
कामयाब हो जाए, आई थिंक फॉर एनी पेरेंट इट इज़ द बेस्ट फीलिंग. मुझे याद है 32 साल पहले मेरे पिताजी ही वॉज अ वेरी फेमस हार्ट सर्जन और दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में गए थे वो. और जब उनका इंट्रोडक्शन होने वाला था, आई मीन ही वॉज डॉक्टर शरद पांडे, वेरी फेमस हार्ट सर्जन, बट ही वॉज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड एज दिस इज डॉक्टर पांडे हार्ट सर्जन एंड इज ऑल्सो चंकी पांडे इज फादर. एंड माई फादर वॉज सो एक्साइटेड. उन्होंने मुझे STD कॉल किया था, मुझे याद है, दिल्ली से, और कहा यू नो दे एक्चुअली सेट दिस इन अ कॉन्फ्रेंस. सो ही वॉज सो एक्साइटेड अबाउट इट. और मुझे भी वही फीलिंग हो रही जब अनन्या और आहान के बारे में लोग बात करते हैं. आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग. क्योंकि हर एक जो मैं नहीं कर पाया लाइफ में मेरे बच्चे करेंगे. जी, क्योंकि हर एक डैडी, क्योंकि आपने ये बताया कि मैं जो नहीं कर पाया लाइफ में, हर एक डैडी चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो सुपरस्टार बने. तो आप मानते हैं कि जो आप ये जो काम कर रहे हैं ये उनका पहली सीढ़ी है सुपरस्टार की तरफ, या उस तरफ ये बढ़ रहे हैं, आप मानते हैं बच्चे? वो जो भी करें सही करें, हार्ड वर्क एंड लॉट्स ऑफ लक की ज़रूरत पड़ती है. एंड बस लेट्स सी, इट्स ऑल अबाउट देम बीइंग एक्सेप्टेड एज एक्टर्स, गुड एक्टर्स एंड स्टार्स. हो गया, थैंक यू. मैं चलूँ, कुछ खाना मिलेगा क्या? सक्सेसफुल फिल्म बनी है एंड वी सेलिब्रेट. ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय. ये कौन सा लाइन है? सर राइट, सर राइट, सर राइट, राइट, अनुपम जी सेंटर में. थैंक यू, कैमरा मैन की क्या? ओके शाहिद जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जब आईफा की बात होती है तो क्या कुछ जहन में आता है आपके? हम देखते हैं कि हर साल आप एक ग्रैंड एंट्री करते हैं, तो जी बताइए. जी, आईफा के साथ हमेशा एक्सपीरियंस अलग रहा है एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट आईफा. आईफा हर साल एक नई जगह पे जाता है एंड the experience that you have is always different. It's never the same. The audience is different. The venue is usually different. So the entire energy is different. It's not like usual award functions jahan aap ek hi jagah pe jate ho aur aapko aadat ho gayi, you know, it doesn't feel that way. I think meri relationship IFA ke sath kafi lambi rahi hai. Maine unke sath host kiya hai kai saal, I think 3-4 saal host kiya hai, kai baar perform kiya hai. To har saal koi na koi किसी ना किसी चीज़ में वो मुझे हमेशा बुलाते हैं. आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द एंटायर विस्क्राफ्ट टीम फॉर दैट. दे हैव ऑलवेज बीन वेरी नाइस एंड वेरी वार्म लाइक अ फैमिली, लाइक आई हैव ऑलवेज सेड. सो दिस ईयर इज गोइंग टू बी मोर एक्साइटिंग देन द लास्ट. आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट एवरी आईफा दैट आई हैव गॉन टू आई हैव फेल्ट दैट इट वाज बेटर देन द प्रीवियस वन. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रियली गुड टाइम. जी, एंड शायद इस बार का जो वेन्यू है वो है बैंकॉक है. अच्छा, ये कब डिसाइड हुआ? क्या बात कर रहे हो, मतलब आपको पता है, मुझे बताया नहीं किसी ने, है क्या? मैं बता देता हूँ, वही है, श्योर है. हाँ जी, सो क्या याद आता है जब जब बैंकॉक की बात होती है? ये तो पता ही नहीं था यार, टाइम दे दो प्रिपेयर करने के लिए जवाब. मुझे तो पूरा वर्ल्ड अच्छा लगता है, कहीं भी ले जाओ, आई लव इट. तो जहाँ भी रखेंगे आईफा, आई एम वेरी हैप्पी.
Shahid, I'm from a US-based radio station, Mera Sangeet. So you have a whole, you have been a part of USA IFA. So how did the energy of USA's audience transpire into you performing and? Well, we were really in Tampa. We were in Tampa when we performed for IFA. I think that was 2 or 3 years back. 2014. 2014. Yeah. So it's been 4 years. Life passes by faster than you think. Aber jabe, dhanyawad. So I think the venue was amazing. Tampa was one of my favorite IFAs. Bahut bada venue tha, bahut badi audience thi. Bahut sara pyar mila us din, and there were some amazing people there. Of course, the entire film fraternity from India was there, but there was also a lot of Hollywood celebrities, and we had a lot of fun with them. Like, we did the lungi dance, yeah. And John Travolta came up on stage and danced a bit. So that was a really fun night. I had a lot of fun that time. शायद आपकी जो फिल्म आने वाली है बत्ती गुल मीटर शुरू, उसको लेकर ऐसी अफवाहें थी, चर्चाएं. आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप सवाल जल्दी से. अरे ऑल इज गुड, शूटिंग शुरू हो रही, टेंशन मत. अच्छा, एक और चीज की साउथ में एक फिल्म काफी हिट हुई है, अर्जुन रेड्डी, उसकी रीमेक आप करने वाले हैं. जी मैंने भी सुना है. कुछ क्या मतलब, कुछ बताइए उसके बारे में. अच्छी पिक्चर है अर्जुन रेड्डी, बहुत अच्छी, मैंने देखी है, आई लव्ड इट. हाँ, मतलब मैंने भी सुना है. मैं कर ही आल्सो थिंक्स आई एम द राइट चॉइस. फिर तो सोचना पड़ेगा सीरियसली. शायद मतलब यू थिंक करनी चाहिए. हाउ एक्साइटेड यू आर टू डूइंग दैट फिल्म? अरे पहले मुझे ये तो अभी डाइजेस्ट कर लूं कि मुझे ऑफर होने वाली है और मैं करने वाला हूं. आई एम वेरी एक्साइटेड दैट इट माइट कम टू मी. And that I might do it. So there are talks happening. Yeah, you'll hear an official announcement if anything happens. शायद मेरा सवाल था कि आप होस्ट करने वाले हैं या नहीं. मैं परफॉर्म करने वाला हूँ इस साल. मैं परफॉर्म करने वाला हूँ. शायद congratulations once again for being a would-be father yet again. Yeah. So how's that feeling? It's feeling really good. There's still time. This is the second time, so it doesn't feel new. The first time it felt very new, but it's always very exciting, and we're really looking forward to having another member in the family. It's an amazing feeling. And nowadays, life has become really important. Life, anyone, I have a question. So what's your suggestion? One last question. What's your suggestion to the fathers who are really busy and are not able to take time out for their kids? What would you suggest to them? Are you a father? No, not yet. शादी नहीं हुई? नहीं, शादी हो गई है. शादियों के बच्चा नहीं हुआ है. सब समझ आ जाएगा. शायद शायद थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे कि नन्हा परिश्ता आने वाला है आपके घर में, तो कैसी चले तैयारियां? प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेटा, उसमें 4-5 महीने 6 महीने बच्चे हैं. ये सवाल फिर से पूछेगा तू तब मुझसे. आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुशी है मुझे इस बात की. और मैंने बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यार तू सवाल ही पूछते रहे उसको लेके. इस तरह क्या एक्सप्लेन करूँ मैं? आपने येलो शर्ट पहनी है, कैसी रही तैयारी, कैसा फील हो रहा है आपको येलो शर्ट पहनी? Like we said, it's not happening this year, and we'll probably work on something else. Something else, okay. Yeah. Thank you. Thank you. सब लोग भाई कैमरा पीछे लेना जरा दोस्त. थैंक यू. चलो सी यू, बाय नाना.